जो साधक दीर्घकाल तक मौन का पालन कर सकता है उसमें एक तरह की वाचा सिद्धि आती है। मन अंतर्मुख होकर चिंतन परायण बनता। मौन की महिमा सुनो सब लोग। हाँ जी। मन अंतर्मुख होकर चिंतन परायण बनता है। मौन के साथ जब जप यज्ञ चलाया जाता है तब धीरे धीरे मन एकाग्र होने लगता है। श्वासोश्वास में जप तो मन एकाग्र हो जाएगा, फिर तो थोड़ी सी पढ़ाई भी बहुत काम करेगी, थोड़ा सा बोलना भी बहुत काम करेगी। अद्भुत शक्तियों का संचय हो जाएगा। चिंतन के साथ ध्यान आ जाता है और तरह तरह की मानसिक शक्तियाँ जागृत होती हैं, प्रकट होती हैं। मानसिक शक्तियाँ जागृत होंगी, मनोबल, बुद्धि बल, संकल्प बल, अनुमान बल, क्षमा बल, शौर्य बल, ये सब जागृत होते हैं। नारायण नारायण नारायण। प्रत्येक प्राणी की पहचान वाणी है तो उसकी आत्मा की भाषा मौन है। मानव जीवन दो विराट मौन बिंदुओं के बीच की मर्यादित स्वर लहरी है। पांच भौतिक जगत में प्रवेश करते समय जीवात्मा का चिरंतन मौन भंग हो जाता है और संसार से विदा होते समय वह इसी शाश्वत मौन वाहिनी में विलीन हो जाता है। फिर मौन वाहिनी में विलय हो जाता जी। समा मुहूर्त एकदम शून्य मौन में रहता, बाद में उसको थोड़ा स्मरण होता है मृत्यु के संग। रात को भी देखो मौन से ही तो पुष्ट होते हैं। जो काम नींद में बोलता रहता अच्छी नींद नहीं आती। कई लोग नींद में भी मन गुआ पड़ता रहे, नींद में मौन गुआ बोल रहे लोग नींद में बोलते ऐसे पागल लोग। जो काम वाणी नहीं कर पाती वह मौन द्वारा सुलभ साध्य बन जाता है। वाणी की सीमा रहती है पर मौन की कोई सीमा नहीं है। मौन शांत है, शाश्वत शांति का प्रतीक है और सांसारिक शांति का साधक भी है। इसीलिए कहा गया मौन लेने से सांसारिक शांति भी मिलती है और शाश्वत शांति में भी गति होती है मौन साधना वाले। प्राणायाम करे, सात्विक भोजन करे, मौन रहे खाली 40 दिन, ओहो कहाँ पहुंच जाए। 40 दिन नहीं तो 21 दिन मासिक धर्म वालों के लिए, 21 दिन, 19 दिन, चलो 19 दिन के 2 कर ले मौन, 3 कर ले, 21 दिन के 2 कर ले। नारायण हरि नारायण। यहाँ तो कई बच्चे ऐसे बहादुर हैं मौन रहना चाहते, कई बच्चे भी ऐसे मौन रहते बड़े प्रभावशाली हो जाते। और प्रभावशाली होने के लिए मौन नहीं रखा जाता है, प्रभावशाली परमात्मा में अपना अहम डुबाने के लिए मैं प्रभावशाली बनूं ऐसा सोच के मौन नहीं रखना, तो अहंकारी बन जाएगा। मुझे तो भगवान की प्रीति चाहिए, भगवत प्राप्ति के लिए मौन रखो। अधिक और अनर्थ बोलने से संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी दशा में लोक में एक प्रचलित कहावत है, एक चुप 100 को हराया। एक चुप वाले ने 100 को हरा दिया, एक मौन व्रतधारी तो 100 को संकल्प से हरा दिया। मौन से अनेक समस्याओं का समाधान प्राप्त हो जाता है। मौन से प्राणी में प्रज्ञापटुता बढ़ती है, फलस्वरूप सूक्ष्म सत्य को पकड़ने की शक्ति उत्पन्न होती है।
इससे कल्पना शक्ति का विकास होता है, फलस्वरूप संकल्प शक्ति और मनोबल का वर्धन होता है, इससे एकाग्रता का उदय होता है। ध्येय तक पहुंचने के लिए चित्त की एकाग्रता की आवश्यकता असंदिग्ध है। मन पारे की नाई चंचल होता है। एकाग्रता से पारे को स्थिर किया गया है और मन को भी। मन शांत हो जाए तो अंतरंग में शक्ति का स्रोत फूटता है। आंतरिक शक्तियाँ अतींद्रिय आनंद सुलभ कराती हैं। यह वस्तुतः अनुभूति का अंदाज है, अभिव्यक्ति का नहीं। मौन की महिमा अनंत है। मुनि का लक्षण ही मौन है। जिसके जीवन का लक्ष्य आत्म और आध्यात्म विकास करने में निहित है, परमात्मा बुद्धि और वाणी से परे है। विचार कीजिए, जो कुछ मेरे द्वारा बाह्य जगत में देखा जा रहा है वह तो जड़ है, कुछ जानता ही नहीं। मैं स्वयं ज्ञायक हूँ, जिसे किसी के द्वारा देखा नहीं जा सकता। तब ऐसी स्थिति में भला किसके साथ बोला जाए? इस रहस्य को जानने के लिए मौन व्रत रखने के अतिरिक्त अन्य अनन्य उपाय नहीं है। मौन मन और मान को निस्तेज करता है, जिससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। मौन हमें शक्ति प्रदान करता है, वह हमें संयम का पाठ पढ़ाता है। संयम शरीर का ही नहीं होता, वाणी का भी होता है। जिस प्रकार शारीरिक संयम से व्यक्ति को स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन प्राप्त होता है, उसी प्रकार वाणी के संयम से व्यक्ति जीवन की बहुत सी उलझनों और झंझटों से बच जाता है। आपस में जितनी लड़ाइयाँ होती हैं, उनमें से ज़्यादातर का कारण कठोर शब्द होते हैं। भारतीय जीवन में मौन की बड़ी महिमा मानी गई है। कहा गया है कि मौन के द्वारा सब कुछ साधा जा सकता है। जैसे अधिकांश व्यक्तियों की वाणी का स्रोत खुल जाता है तो वह रुकने का नाम नहीं लेता। हमारी बहुत सी शक्ति का अनजाने अपव्यय हो जाता है। वाणी में बहुत सारी शक्ति नाश हो जाती है। इस बार हमने शिविर में बहुत कम बोला, थोड़ा थोड़ा बोला, बस चुप। शक्ति का संचय अभी लोग कम बोलो। शक्ति के इस अपव्यय को रोकने के लिए हमारे महापुरुषों ने कहा है कि अनिवार्य हो तभी बोलो, और जहां एक शब्द से काम चल जाता हो वहां दो शब्दों का प्रयोग मत करो। महात्मा गांधी सप्ताह में एक दिन मौन रखते थे, वह उनका मौन दिवस कहलाता था, और उस दिन वह इतना काम करते थे कि देखकर लोग चकित रह जाते थे। जहाँ तक सामान्य लौकिक जीवन में मौन के महत्व का प्रश्न है, यह माना गया है कि आवश्यकता भर भाषण करना और आवश्यकता से अधिक एक शब्द भी न बोलना
व्यवहारिक मौन है। जो व्यक्ति अधिक बोलता है वह व्यर्थ बोलने का अपराधी सिद्ध होता है। जब कोई लगातार बोलता चला जाएगा तो कुछ न कुछ अनुचित या व्यर्थ बात भी कह जाएगा। मौन ध्यान की भूमिका अथवा उसका प्रथम चरण है। मौन का अर्थ केवल मात्र वाणी का मौन होना नहीं है। वाणी का मौन तो मात्र प्रारंभ है। मौन का अर्थ है बाह्य संचरण छोड़कर अंतः संचरण करना। मौन में भी अकेले बैठ के ओ फिर चुप, तो परमात्मा प्रसाद प्राप्त हो जाए। परमात्मा भी सृष्टि करते ब्रह्मा जी तो वर्षों तक मौन रहते, भगवान विष्णु भी मौन समाधि में रहते, शिव जी तो समाधि का रूप ही है। बोलने से शक्ति का बहुत नाश होता है। बोले तो सार गर्भित बोले और भगवान के रास्ते जाने वाली बात बोले, नहीं तो फिर चुप। खाली 40 दिन का मौन रखे और सात्विक भोजन करे तब भी बहुत बहुत उन्नति हो जाती। ईश्वर तो अपना आत्मा है, अपने साथ ईश्वर होते हुए भी लोग दुखी हैं, क्योंकि मन के साथ मिलकर बाहर बड़बड़ में विकारों में कपट में अपनी शक्तियों को नाश कर देते। उसी शक्तियों से परमात्मा मिलता, वही शक्ति बहिर्मुख होकर फंसाने वाली हो जाती। सर्टिफिकेट लेकर घूमते रहते, नौकरी भी नहीं। अरे मौन रखे ईश्वर प्राप्ति साधना कर लेते तो दूसरों को नौकरी तो क्या, दूसरों को राज देने की ताकत जग जाती। यदि वह संकल्प चलाए मुर्दा भी जिंदा हो जाए, ऐसी शक्ति। उन दिनों में मौन रखते थे, मत गाय दिया, मत गाय दिया, तब से नारायण नारायण नारायण। मौन का अर्थ है संयम के द्वारा धीरे धीरे इंद्रियों तथा मन के व्यापार का शमन होना। मौनम सर्वार्थ साधनम, मौन समस्त सिद्धियों के मूल में है। यदि वाणी रजत है, मौन स्वर्ण है। मौन रहकर ही परमात्मा सृष्टि रचना एवं विश्व संचालन करता है। प्रभु के साथ संलाप मौन होकर ही संपन्न होता है। अनुभूति की चरम सीमा परम मौन की भूमि पर होती है। प्रेम भक्ति और योग की चरम अवस्था परम मौन में ही अनुभूत होती है। संत का मौन उसकी गहन अनुभूति का द्योतक होता है। वाणी निग्रह संयम एवं मौन साधना का प्रारंभ है। हमारे भीतर गहरे स्तर पर आनंद स्वरूप आत्मा है। सबके गहराई में आनंद स्वरूप आत्मा है, शक्ति का पुंज है। इसीलिए तो रात को नींद में चले जाते, सुबह ताजे हो जाते, लेकिन वहाँ ज्ञान रहता है। मौन और ध्यान के द्वारा वो शक्ति ज्ञान स्वरूप में जागृत होती। अनजाने से शक्ति ले आना थोड़ी सी, अजान के तो परमात्मा सामर्थ्य। तो काय को मौन और साधना ना करे। दुनिया में यही चीज करने लायक है, बाकी तो पढ़ पढ़ के सर्टिफिकेट लेके घूमते रहो सिर पे।
आगे के भूल गए न। अभी एमए के विद्यार्थी को बोले तो आठवीं का पेपर दे के दिखाओ तो न पास हो जाएगा। ये माइया पढ़ी लिखी है, तुमको पांचवी का पेपर दे अभी लिखो, पास हो जाओगी। ए बोलना मत किसी को, वे पास होके दिखाओ। पांचवी सातवीं तो पढ़ी हो, अभी पांचवी सातवीं का पेपर दे तो बोले मंगेगा मंगेगा है, सब मंगेगा है, अकेला मेरा रसोया नहीं मंगेगा, नहीं मंगेगा। जगत की चीजें बुद्धि और मन में आती है और मन बुद्धि बदलता रहता है तो वो चीजें भी याद से हट जाती है। और मौन और परमात्मा का ज्ञान ध्यान स्व में आता है तो स्व तो अमर है, शरीर के मरने के बाद भी स्व रहता है। इसीलिए अगले जन्म के योगी मिलते हैं, अगले जन्म के भक्त मिलते हैं, लेकिन अगले जन्म का डॉक्टर नहीं मिलेगा, अगले जन्म का वकील नहीं मिलेगा, अगले जन्म का व्यापारी नहीं मिलेगा, वो तो फिर से सीखना पड़ेगा उसको। नारायण नारायण नारायण। मौन रहे कमरे में, अपना एक कमरा बना दे, ना दो के उसी में जाए साधना करे, थके तो लेटे लेटे मौन श्वासोश्वास ले। खाली तीन दिन भी अपने कमरे में मौन रहे तो देखो क्या क्या होता है। सात दिन रहे तो और फायदा हो, और चालीस दिन रहे तो फिर कहना ही क्या है। समय बीता जा रहा है, अपनी शक्तियों को जागृत करो और अपने आत्म शक्ति जगाने के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं। धन की शक्ति, सत्ता की शक्ति, जन की शक्ति, ये सब छोटी हो जाती है। जिसके आत्म शक्ति जागृत होती है उसके आगे धनवान भी सिर झुकाएगा, सत्तावान भी सिर झुकाएगा, बलवान भी सिर झुकाए। आत्मशक्ति परमात्मा शक्ति सबसे बड़ी। वो चुप होने से जा करता इधर उधर के बीच आ रहा था, खाली परमात्मा को पाने का, परमात्मा शक्ति जगाने का इरादा पक्का हो जाए बस, तो फिर खान पान भी ऐसे ही खाएगा, फिर ज्यादा हल्की चीजें नहीं खाएगा। सत्वगुण बढ़ाने वाली लहसुन प्याज ये तमोगुण बढ़ाती, दूध सात्विक होता है।